वो आज आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कल की स्मैकडाउन यानी कि 15 अक्टूबर की सुपर साइज स्मैकडाउन में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव, आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG बॉस फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले हम स्मैकडाउन की प्रीव्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं और उसके बाद जाएंगे दिन के 3 से 4 बड़ी खबरों के ऊपर, जिनमें रॉक, रोमन रेंज जैसे सुपरस्टार्स की खबरें मेन है। तो गाइस, कल हम लोगों को देखने को मिलने वाली सुपर साइज्ड स्मैकडाउन इस साल की इकलौती स्मैकडाउन रहेगी, जो कि दोस्तों रहेगी 2.5 घंटे की। रीजन क्या है? रीजन है दोस्तों, WWE को चाहिए और भी ज्यादा नजर अपने प्रोडक्ट के ऊपर और सीधे सीधा कॉम्पिटिशन में आना चाहते हैं। यहाँ दोस्तों सुपर साइज स्मैकडाउन के अंदर जो थिंग्स है वो काफी एक्सट्रीम है। 5 से लेकर 6 बड़े सेगमेंट दोस्तों इसके लिए कंफर्म हुआ, जहां सबसे पहली चीज जो आप लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगी 100% कंफर्म मैच, और ये होने जा रहा है फिन बैलर वर्सेस सेमी ज़ेन के मध्य। तो स्मैकडाउन की शुरुआत दोस्तों एक धांसू मैच के साथ होने जा रही है। फिन बैलर जो कि हाल फिलहाल में दोस्तों रोमन रेंज से हारे हैं, वो अब किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का पार्ट है, और ऐसे में दोस्तों सेमीफिनाले में कल उन्हें फेस करना है सेमी ज़ेन को। सेमी ज़ेन को अगर वो हरा देते हैं तो गाइस वो जाएंगे फिनाले में। अब देखते हैं कौन इस मैच को जीतता है। मेरे हिसाब से फिन बैलर के लिए एक आसान जीत होने वाली है। वहीं दोस्तों सेमी ज़ेन को आकर रे मिस्टीरियो डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चलते हैं इससे अगली थिंग के ऊपर। तो भाई इसके बाद जो अगली चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी वह है दोस्तों सोनिया वर्सेस नायोमी। तो एक लंबे अरसे के बाद दोस्तों सोनिया डेविल इन रिंग रिटर्न करने जा रही है। इससे पहले दोस्तों स्मैकडाउन की वो अधीक्षक के रूप में हमें दिखाई दे रही थी, लेकिन कल उन्हें नायोमी को फेस करना है। नायोमी को काफी समय से वो उंगली किए जा रही है। नायोमी को दोस्तों उन्होंने मैचेस पर मैचेस नहीं दिए, बार बार टालती रही, लेकिन इवेंचुअली उन्होंने उनके ओपोनेंट का नाम बताया जो कि वो खुद है। कल दोस्तों सोनिया वर्सेस नायोमी होने जा रहा है। मेरे हिसाब से इसके अंदर सोनिया अपनी पावर्स का गलत यूज करेगी और वहां नायोमी को स्क्रू करेगी। इसके बाद दोस्तों जो अगली थिंग आप लोगों को देखने को मिलने वाली है वो होने जा रहा है दोस्तों क्वींस क्राउन का सेमीफिनाले। तो स्मैकडाउन में दोस्तों एक और सेमीफिनाले होने जा रहा है, और ये होने जा रहा है कार्मेला और हमारी अपनी ज़ेलिना वेगा के मध्य। तो कार्मेला वर्सेस ज़ेलिना वेगा दोस्तों काफी ह्यूज मैच होने जा रहा है। मेरे हिसाब से दोस्तों इसके अंदर कोई भी जीत सकता है, लेकिन मैं दाव लगाऊंगा कार्मेला के ऊपर। कार्मेला एक हील कैरेक्टर है, हील कैरेक्टर फिनाले में जाना दोस्तों काफी स्वाभाविक सा लगता है, और हीली सुपरस्टार ज्यादा जीतते हैं दोस्तों ये क्राउन वगैरह। तो यहां दोस्तों मैं कार्मेला को पिक करूंगा। चलते हैं दोस्तों इससे अगली थिंग के ऊपर। इसके बाद जो अगली चीज प्रोबेबली आप लोगों को देखने को मिलेगी हो रहेगी दोस्तों एज एंड सेथ रॉलिंस की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। तो लास्ट वीक दोस्तों हमने मेन इवेंट में देखा था किस तरीके से जो एज है अपना रिटर्न करते हैं और वहां गंदी पिटाई करते हैं सेथ रॉलिंस को। सेथ रॉलिंस को भागना पड़ जाता है, और वहां दोस्तों जो एज है ये चीज कहते हैं कि वो उन्हें हेल इन अ सेल मैच में चैलेंज करते हैं। ये चैलेंज दोस्तों पुट किया है एज ने, लेकिन इसे अभी एक्सेप्ट किया जाना बाकी है। कल के स्मैकडाउन में दोस्तों हमें इन दोनों के मध्य एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिल सकती है, और इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के दौरान दोस्तों ये चीज हो सकती है कि सेथ वहां साइन तो कर दे, लेकिन उसके बाद एक चीप अटैक बोल दे हमारे रेटेड आर सुपरस्टार के ऊपर। चलते हैं दोस्तों इसे अगली थिंग के ऊपर। तो इसके बाद जो अगली चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी वो भी दोस्तों लगभग कंफर्म है, और ये होने जा रहा है केविन ओन्स का कॉल्ड आउट करना कॉर्बिन एंड मॉस को। तो 2-3 हफ्तों से दोस्तों जो कॉर्बिन है वो पीटे जा रहे हैं हमारे अपने केविन ओन्स को। केविन ओन्स दोस्तों उनसे बदला तो लेना चाहते हैं, लेकिन नंबर्स गेम होने के चलते दोस्तों बदला नहीं ले पा रहे। इस बार हो सकता है कि केविन ओन्स अपना बैकअप अपने साथ लेकर आए, और वहां दोस्तों किसी न किसी बंदे को उन्होंने ऑलरेडी बुक्ड किया हो, और जब दोस्तों ये दोनों आए तो उन पर हो जाए तगड़े वाला धावा। यहां हमें एक टैग टीम मैच होने का अनुमान है। चलते हैं दोस्तों अपने सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। गाइस 100% कंफर्म है, और ये होने जा रहा है हमारी अपनी बैकी लिंच और साशा बैंक्स का शोडाउन। तो बैकी लिंच वर्सेस साशा बैंक्स रख दिया गया है, काफी बड़ा मैच है दोस्तों। इस मैच की बात की जाए तो गाइस मेरे हिसाब से इस मैच के अंदर या तो हमारी बैकी लिंच जीत जाएगी, या तो दोस्तों हमारी जो बियांका ब्लेयर है जो कि दोस्तों तीसरी ओपोनेंट इन दोनों की, वो इंडल्ज हो जाएगी, मैच DQ में खत्म हो जाएगा। तो क्राउन ज्वेल से पहले दोस्तों तीनों महिलाओं का शोडाउन हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि मैच कल जो रखा गया है वो है बैकी वर्सेस साशा। चलते हैं दोस्तों अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। गाइस वो रहेगा ब्रॉक लेसनर का कॉल्ड आउट करना द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। तो ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होने जा रहा है। WWE वालों ने कंफर्म कर दिया कि सुपर साइज्ड स्मैकडाउन में सुपर साइज्ड ब्रॉक लेसनर आने जा रहे हैं। लगभग दोस्तों एक हफ्ते के बाद ऐसा कुछ होगा कि हमें ब्रॉक लेसनर का फिर से नजारा देखने को मिलेगा। लास्ट वीक दोस्तों ब्रॉक नहीं दिखाई दिए थे। पॉल हेमन ने दोस्तों ब्रॉक के खिलाफ बहुत कुछ गलत कहा था। यहाँ दोस्तों ब्रॉक लेसनर उन सभी को तो एड्रेस करेंगे, और पॉल हेमन के ऊपर धावा बोल सकते हैं, लेकिन जो पॉल है अब वो चरणों में आ चुके हैं रोमन के। तो रोमन अपने
शिष्य को दोस्तों अकेला नहीं छोड़ते हैं, तो यहाँ दोस्तों वो सेव कर सकते हैं पॉल को और उसो समेत बोल सकते हैं ब्रॉक लेसनर के ऊपर धावा। ब्रॉक लेसनर भारी पड़ते हैं या फिर भारी पड़ते हैं रोमन रेंस कल, ये तो दोस्तों हमें कल ही पता चलेगा। बहुत ज्यादा मजा आएगा, यहाँ इनकी ब्रॉल होने वाली है। चलते हैं इस वीडियो के अब सेकंड टॉपिक के ऊपर। तो वह सेकंड टॉपिक जो हमारा जुड़ा है वो जुड़ा है खबरों से। वह सबसे पहली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों ड्रू मैकइंटायर से, जिन्होंने कर दिया है लेसनर को चैलेंज। तो लेसनर को दोस्तों हर कोई चैलेंज कर रहा है, ऐसे में ड्रू मैकइंटायर भी कहां पीछे हटे। हाल ही में दोस्तों द बम्प नामक शो में दिखाई दिए थे ड्रू मैकइंटायर ने दोस्तों ये चीज कही कि देखो बात है कुछ ऐसी कि मैं फेस करना चाहता हूँ ब्रॉक को फिर से। इससे पहले मैं मानता हूँ कि मेरी उससे फाइट रही है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू गेट इन टू द रिंग विद एब्सोल्यूट बेस्ट, यानी कि वो सबसे बेस्ट सुपरस्टार्स के साथ फाइट करना पसंद करते हैं। अरे वो क्या चीज़ बोले, WWE के अंदर ब्रॉक लेसनर से ज़्यादा फिजिकल, ब्रॉक लेसनर से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। देखा जाए तो इससे पहले रेसलमेनिया में मैंने उससे 5 मिनट में हरा दिया था, लेकिन उस वक्त कोई भी जनता वहाँ ऑडियंस में नहीं बैठी थी। अब मैं क्राउड के बीच में उसे हराना चाहता हूँ और मैं ब्रॉक लेसनर को चैलेंज करता हूँ। तो ब्रॉक लेसनर भी दोस्तों स्मैकडाउन के अंदर दिखाई दे रहे हैं और ड्रू मैकइंटायर तो ड्राफ्ट हो ही चुके हैं, तो हो सकता है इन फ्यूचर दोस्तों इनका मैच फिर से बने। लेकिन वहां इस बारी कौन जीतेगा, आपको क्या लगता है जो बताएगा। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है और जुड़े दोस्तों मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन से। ब्रॉन स्ट्रोमैन जा सकते हैं AEW के अंदर, खबरें हो चुकी है तेज। तो इससे पहले खबरें ये थी इंपैक्ट रेसलिंग में जा सकते हैं, लेकिन कल दोस्तों ब्रायन केज के साथ दिखाई दिए हैं। ब्रायन केज का दोस्तों जो कैप्शन है वो कहीं ना कहीं सवाल निशान पैदा करने वाला। उन्होंने कहा है कि नो डायनामाइट, लेकिन स्टिल वो एक बड़े बम के साथ है, यानी कि दोस्तों हमारे अपने ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ। ब्रॉन स्ट्रोमैन दोस्तों काफ़ी बढ़िया सुपरस्टार है, WWE वालों ने जाने उन्हें क्यों निकाल फेंका। ऐसे में दोस्तों अगर वो AEW में जाते हैं तो उससे AEW वालों को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुँचेगा। चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे डेमियन प्रीस्ट से। तो डेमियन प्रीस्ट एंड बैड बनी की जोड़ी को हर कोई फिर से देखना चाहता है रिंग के अंदर, लेकिन क्या ये बनेगी ये तो कोई नहीं बता सकता। बट डेमियन प्रीस्ट ने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई है। डेमियन ने बताया कि वो कभी भी बैड बनी के साथ रेसलमेनिया का पार्ट नहीं होने वाले थे। डेमियन प्रीस्ट बोले कि रॉ से पहले बहुत ज़्यादा चेंजेस डाले जाने वाले थे, मुझे निकाला जा रहा था और बैड बनी को किसी और के साथ टैग किया जा रहा था। उस वक्त डेमियन को हल्की सी इंजरी आ गई थी, आपको याद होगा। डेमियन बोले कि जब ये थिंग हुई तो उसके बाद मैंने जल्दी से रिकवरी कर दी, बट उसी वक्त कई ऑफिशियल्स चाहते थे कि मुझे मैच में रिप्लेस कर दिया जाए। उस वक्त आई Triple H सामने, Triple H ने कहा कि नहीं, अगर बैड बनी के साथ कोई टैग करेगा तो वो डेमियन ही करेगा। और इस पर बैड बनी ने भी हामी भरी, जिसके बाद वो दोनों साथ मिलकर फेस किए मिज एंड मॉर्सन। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी दोस्तों हमारे सामने निकल कर आई है। डेमियन प्रीस्ट एंड बैड बनी को कौन कौन फिर से रिंग के अंदर देखना चाहता है एक साथ, अभी के भी बताएगा। हम चलते हैं आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज़ के ऊपर। तो वह सेकंड लास्ट न्यूज़ जो आज के बारे में जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है ब्रॉक लेसनर के रॉयल रंबल जीतने से। तो गाइस खबरें काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुकी है कि ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल जीत सकते हैं, और प्रमाण दोस्तों हाल ही में हमारे सामने आया है। अगर दोस्तों आप WWE के इंस्टा पेज पर जाएंगे तो आप पाएंगे WWE वालों ने एक नया पोस्टर अपलोड कर दिया है ये रॉयल रंबल का है, जो कि दोस्तों 29th of January होने वाली है सैन लुइस में। और उसके पोस्टर में दोस्तों ब्रॉक लेसनर है। इससे पहले ब्रॉक लेसनर को सिर्फ एक पोस्टर में फीचर किया गया था, वो था क्राउन जोल का, ऑब्वियसली वहाँ उनका मैच बन चुका है। लेकिन रॉयल रंबल के पोस्टर में उनका फीचर किया जाना, यानी कि ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल का भी पार्ट होने वाले हैं। वहीं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले मैंने एक वीडियो में डिस्कस भी किया है कि ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल को जीत सकते हैं। वो वीडियो आप में से बहुत से लोगों ने नहीं देखी होगी, लेकिन उसके अंदर दोस्तों मैंने साफ किया है कि क्या रीजन है कि ब्रॉक लेसनर के चांसेस काफी ज्यादा हाई है। लेकिन आज दोस्तों एक और चीज बताना चाहता हूं, इस वक्त दोस्तों जो अर्ली ऑड्स चल रहे हैं वहां भी ब्रॉक लेसनर का ही नाम सबसे ऊपर है कि ब्रॉक लेसनर 2022 की रॉयल रंबल को जीत सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है आपका क्या रिएक्शन होगा, बताएगा जरूर। चलते आज की अपनी मेन खबर मेन खबर जो आज के बारे छुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों द रॉक वर्सेस रोमन रेंस से। तो अभी तक जितने भी नाम हमारे सामने आए, हर कोई दोस्तों रोमन रेंस के सामने हार रहा है, ऐसी अपडेट आप लोगों को सुनने को मिलती है। लेकिन एक नाम ऐसा है जो कि दोस्तों कॉन्ट्राडिक्टिव है, और वो है ब्रामा बुल द रॉक का। रीजन है दोस्तों कि रोमन रेंस खुद को ट्राइबल चीफ बताते हैं, लेकिन एक्चुअल में हर कोई जानता है कि ट्राइबल चीफ कौन है। द रॉक दोस्तों अनवाई फैमिली के सबसे प्रसिद्ध
WWE रेसलर है और अकॉर्डिंग टू रूमर्स जब द रॉक लौटेंगे तो वो रोमन रेंस का तख्ता पलट करेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों खबरें ये भी थी कि हमें द रॉक दिखाई दे सकते हैं सर्वाइवर सीरीज में रोमन रेंस के साथ फेस टू फेस करते हुए, लेकिन अब इस पर नया अपडेट आ चुका है। दरअसल दोस्तों मैडमैन पॉडकास्ट के एंड्रयू कुमार ने तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि जो द रॉक के दोस्तों वो 21 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया में होंगे अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए। डेफिनेटली दोस्तों वहां द रॉक पार्ट होने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज का। आप कैसे होंगे वीआ वीडियो फुटेज दोस्तों वो पार्ट हो सकते हैं, वीडियो फुटेज के द्वारा दोस्तों वो रोमन रेंस को चैलेंज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो इस बारी की सर्वाइवर सीरीज है 25th एनिवर्सरी है तो उस पर दोस्तों लोगों को चेयर अप भी कर सकते हैं। द रॉक तो पार्ट होंगे लेकिन क्या वहां वो रोमन रेंस को चैलेंज करते हैं, ये बड़ा सवाल है। वीडियो आज की इतनी, पसंद आई हो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लास्ट तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।